Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to study Sonnet 66 by William Shakespeare. तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को समरी बताऊंगी सोनेट की. तो इस सोनेट में यंग मैन बहुत मिलनकालिक मूड में है. मिलनकालिक मीन्स सैड. तो यहाँ पर क्यों सैड है भाई? क्योंकि यहाँ पर दुनिया में बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं. मतलब कि जो बंदा जिसको डिज़र्व जो चीज़ करता है उसको मिल ही नहीं रहा है, और जो कुछ डिज़र्व नहीं करता उसको सब कुछ मिल जा रहा है. इसीलिए यहाँ पर ये सैड है. Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needing nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappy forsworn, and gilded honor shameful misplaced, and maiden virtue rudely strumpeted, and right perfection wrongly disgraced, and strength by limping sway disabled, and art made tongue tired by authority. Poet बताते हैं कि एक young man जो थक चुका है अपनी लाइफ में, वो एक सुकून की मौत की तलाश करता है. एक मौत के लिए वो रोता है कि काश वो मौत आ जाए ताकि मैं ये ज्यादती होते हुए इस दुनिया में ना देख पाऊँ. एक डिज़र्विंग पर्सन जो एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, अनडिज़र्विंग बंदे वो लोग अच्छे और फाइन कपड़े पहन कर हैं. एक्चुअल में वो लोग धोखेबाज हैं, लेकिन ख़ुद को बहुत ही ट्रस्टवर्दी साबित करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं. दे आर बीट्रेड एवरीवन, लेकिन ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं. अच्छे कपड़े पहनने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहनकर ख़ुद को बहुत ज़्यादा उम्दा समझते हैं. जो बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटी छोटी लड़कियाँ जो एक प्रोस्टिट्यूट हो रही हैं, लेकिन लोग उन्हें सही कहते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ औरत जो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, लोग उन्हें रॉन्ग गलत कहते हैं. जो चल नहीं सकते, जो डिसेबल्ड हैं, उनको अथॉरिटीज़ नहीं दी जाती, उनसे छीन ली जाती है. पेंटर्स जो आर्टिस्ट हैं, उन्हें अथॉरिटी दे दी जाती है. दोस्तों यहाँ पर ये मतलब है कि जिसको ज़रूरत है उसको नहीं थी, और जिसको नहीं ज़रूरत है उसको मिलती है. क्या किया जा सकता है? एंड फॉली कंट्रोलिंग स्किल्स एंड सिंपल ट्रूथ मिस कॉल्ड सिंप्लिसिटी एंड कैप्टिव गुड अटेंडिंग कैप्टन इल. Tired with all these, from these would I be gone, save that to die, I leave my love alone. इन लाइन्स में कह रहे हैं कि और जो बेवकूफ़ लोग हैं, फुलिश लोग हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ आता है. जो फूल्स हैं वो ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं जैसे वो डॉक्टर हैं. जिस तरह डॉक्टर अपनी पेशेंट की केयर करता है, उस तरह ये एक्ट करने की कोशिश कर रहा है फुलिश लोग. मैं बहुत थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं भाग जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ. अगर मैं मरूँगा तो मैं अपना एक लव छोड़ कर जाऊँगा. एक तो मैं ख़ुद से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बिलव्ड से. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है. अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.